बोल प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद। प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद। अब बोल कटरीना कैफ जिंदाबाद। कटरीना कैफ जिंदाबाद। चल अब बोल सनी लियोनी मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली। या में शायद ऐसा कोई होगा जो कि चूहों से परेशान ना हो। अरे ऐसी ऐसी जगहों पर तक खड्डे कर देते हैं जहां पर जेसीबी तक अपने घुटने टेक देती है। लेकिन वहीं पर दोस्तों सोचो, अगर कहीं पर चूहे कुछ कुतर रहे हो और हम उनको देख लें, तो भैया फिर वो हमें कुछ इसी तरीके से घास डालने की कोशिश करते हैं। भैया मैं तो चेक करने आया था कि बिजली आ रही है कि नहीं तारों में। वो क्या है ना, मेरे कमरे में लाइट नहीं आ रही थी। अरे वीडियो मत बनाओ भैया, मैं तार वार नहीं काट रहा था। आपकी मम्मी की कसम, मेरी मम्मी तो पिछले हफ्ते ही मर गई। अच्छा दोस्तों, अक्सर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं या फिर किसी के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिन्हें देखकर भैया हमारी हंसी निकल जाती है। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर। वीडियो में हम देख सकते हैं सड़क पर बहुत सारी गायें और बैल जा रहे हैं, तभी इनमें से एक छोटा बैल बाइक पर बैठे शख्स की तरफ आ जाता है और भैया उसको मारने लगता है, जिसे देखकर ये वीडियो बना रहा शख्स जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अब जरा आप ही देखिए बेचारे के साथ हंसने का क्या अंजाम हुआ। बस हवा निकल गई। दोस्तों डॉग जितने ज्यादा क्यूट और पालतू होते हैं भैया उतने ही ज्यादा दिमागदार भी होते हैं। अब जैसे कि आप इस डॉगी को ही देख लीजिए, योग दिवस के दिन ये महाशय सुबह सुबह योग कर रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक लेटे रहने की वजह से बेचारे इस भोले वाले डॉग को लगा कि अब इसी के चलते देखिए कैसे ये अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अपने मालिक की हार्ट बीट चेक कर रहा है और भैया यहाँ तक कि उसे CPR तक देने लगता है। जरा देखिए, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि हमारी इस बिल्ली जैसी हालत कब होती है? बताइए बताइए। चलिए आप क्या ही बताएंगे, मैं ही बताता हूँ। तो भैया हमारी ऐसी हालत तब होती है जब अच्छी सी कुटाई करने के बाद मम्मी बोले कि आ बेटा खाना खा ले, आज मैंने तेरा मनपसंद खाना बनाया है। सही पकड़े हैं। दोस्तों अगर वीडियो देखकर तनिक भी मजा आ रहा है तो भैया फिर यार कंजूसी मत करो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों कभी कभी गुस्से में आकर पापा अपने बच्चों से ऐसे बोल देते हैं कि तू मेरी औलाद नहीं है। अब भाई देखो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, ये बात सुनकर उनके मन में भी डाउट आ जाता है और फिर वो अपनी मम्मी से पूछते हैं कि क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। वैसे दोस्तों ऐसा तो सिर्फ फिल्म और नाटकों में ही देखने को मिलता है, असलियत में तो ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा। लेकिन चलिए आज हम आपको ये चीज असलियत में दिखाते हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरह की कहानी इन बंदरों के परिवार की भी है, जरा आप ही देखिए। सच सच बता किसकी औलाद है तू? मुझे क्या पता, मम्मी ने कहा था एक परी आई थी रात में, वो मुझे मम्मी की गोदी में छोड़ गई थी। परी का तो पता नहीं, पर कोई परा जरूर आया था जो तेरी मम्मी को दे के नहीं उनकी ले के गया था और तुझे छोड़ गया मेरे माथे। पता लगाना पड़ेगा। मम्मी पापा बोल रहे थे कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ, क्या मैं आपका लड़का नहीं हूँ? मैंने ये सब कब बोला? अभी आपने बोला नहीं तो उधर ले जाके। भाई आजकल की लड़कियां मेकअप करके अपना जितना एटीट्यूड बताती हैं भैया उतना तो शायद ही कोई बताता होगा। लेकिन इन एटीट्यूड वाली लड़कियों से मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो जरा अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखें, नहीं तो अगर ये मोहतरमाएं मैदान में जो उतर गई ना तो सच्ची बता रहा हूँ सबकी टियाई टियाई फिश हो जाएगी।
दोस्तों एक बात जग जाहिर है, डॉग और बिल्ली के बीच 36 का आंकड़ा होता है, यानी कि ये एक दूसरे को देखे नहीं छोड़ते हैं। अब कुछ ऐसे ही देखने को मिला यहाँ पर। वीडियो में हम देख सकते हैं दीवार के ऊपर बड़े ही आराम से एक बिल्ली खड़ी है, वहीं पर जस्ट नीचे दो डॉग खड़े हैं, जिनमें से एक बिचारा तो शांत खड़ा है, लेकिन पता नहीं दूसरे के मन में ऐसा क्या आता है कि वो एकदम से उस बिल्ली पर टूट पड़ता है और जैसे ही डॉग बिल्ली पर हमला करता है, इतने में बिल्ली उसे एक जोरदार थमाचा मार देती है, जिसे खाने के बाद डॉगी नीचे गिर जाता है। जरा देखिए। भाई दोस्त वही होता है जो हमारे लिए कुछ भी कर सके, चाहे वो इंसानों में हो या फिर जानवरों में ही क्यों ना हो। अब जैसे कि आप इन दोनों की दोस्ती को ही देख लीजिए, कैसे ये मुर्गा या फिर मुर्गी जो भी है अपने दोस्त को ऊपर बिठाकर शेयर करा रही है, जो कि भैया देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। बस आएगा क्या दोस्तों? पानी पूरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और भाई आई भी क्यों ना, आखिर पानी पूरी लगती ही कुछ ऐसी है, और किसी की मजाल जो कि बिना पानी पूरी खाए ठेले के पास से अगर निकल जाए। अब दोस्तों इस क्लिप में हम देख सकते हैं ये पानी पूरी वाले भैया किसी को पानी पूरी खिला रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है किसको खिला रहे होंगे, शायद किसी लड़की को या फिर लड़के को? तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जिसे पानी पूरी खिला रहे हैं वो ना तो लड़का है और ना ही लड़की, बल्कि कुछ और ही है। जरा देखिए। दोस्तों अब मैं आपको जो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा ये लगभग आप लोगों में से सभी ने देखी होगी, और जिसने नहीं देखी है वो जरा देख लीजिए, क्योंकि भैया ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। दोस्तों मैं जिस वीडियो क्लिप की बात कर रहा हूँ, दरअसल ये एक मंदिर की है, जिसमें पुजारी जी सावन में शिव पूजा कर रहे थे, तभी अचानक मंदिर में एक बंदर आ गया। हम इसे बंदर नहीं, एक तरह से हनुमान जी का रूप कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये मंदिर में आकर पुजारी जी को गले से लगा लेते हैं और उनको आशीर्वाद तक देते हैं। इस दृश्य को देखकर मंदिर में उपस्थित सारे लोगों की आंखें बस फटी की फटी रह गईं। जरा देखिए। भाई इस दृश्य को देखकर कमेंट में जय हनुमान लिखना तो बनता है गुरु। दोस्तों जब हमें प्यास लगती है तो हम तुरंत पानी पी लेते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जब इन जानवरों को प्यास लगती है तो इनको पानी ढूंढना पड़ता है। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर। वीडियो में दिख रहे इस बंदर को पानी की प्यास लग रही थी, इसे बुझाने के लिए ये इधर उधर भटक रहा था, तभी इसे एक पाइप दिखाई देता है, जिस पर चढ़कर बड़ी ही चालाकी से ये उसको मोड़ देता है और फिर उसमें से पानी निकाल कर पीता है। जरा देखिए। देखो दोस्तों बीवी किसकी भी हो सभी तेजी होती हैं, लेकिन भैया वहीं पर उनके पति लोग भी आए दिनों उनको बस में करने के नुस्खे ढूंढते रहते हैं। अब जो लोग अपनी पत्नी को बस में करने के सुराग में हैं, वो जरा एक बार इस फोटो को देख लो। अरे औरतों ने तो उनको तक बस में कर लिया है, जिनको देखते ही अच्छे अच्छों की पेंटे गिली हो जाती है, और भैया तुम उनको बस में करने के नुस्खे ढूंढ रहे हो। दोस्तों जब भी हमारे यहाँ किसी का बर्थडे होता है तो भैया उसमें एक रस्म होती है,
रस्म ये होती है कि केक काटने से पहले ही उसका पूरा मुख केक में कर दिया जाता है। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर। अपने डोगी का बर्थडे आने की खुशी में ये महाशय उसके लिए केक लाते हैं, लेकिन डोगी केक को काटे उससे पहले ही ये महाशय डोगी के मुंह को केक में करने की कोशिश करते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन भैया तभी ये डोग कुछ ऐसा करता है कि महाशय जी की सारी ऐसी निकल जाती है। जरा देखिए, अबे साले रुक, तेरे को बताते। आगे स्वाद।